Okay, so hello everyone. Good afternoon and welcome back to the Ashish Malik IAS Academy. My name is Ashish Malik and this is your one-stop solution for complete guidance of UPSC. And in this particular batch, which is a UPSC 2020 revision batch, jo humne shuru kiya tha, to make you guys score more than 140 marks in your upcoming prelims, usi ke liye, ye session actually 11th March ka hai, which could not be conducted yesterday because of some technical fault. उसे हम आज अभी फिलहाल के लिए पूरा कर रहे हैं बट एज यूजुअल गाइस जो हमारे रेगुलर टाइमिंग्स हैं बिकॉज यू नो वी हैव टू क्लासेस एवरी डे 8:30 एंड 9:30 सो दो क्लासेस हमारी एवरी डे होती हैं रेगुलर बेसिस पे हैं तो वो एज इट इज रहेंगी बिना कोई डाउट के तो आज की जो क्लास है वो नॉर्मल टाइम 8:30 और 9:30 कंडक्ट की जाएंगी एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री सो मेक श्योर गाइज कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें आशीष मलिक आईएएस एकेडमी को फॉलो करने के लिए आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें और बहुत जल्दी एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट मैं शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए तो उसके रिगार्डिंग भी जो है अनाउंसमेंट आज शाम की क्लास में की जाएगी और इस साथ ही साथ में अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे सभी फाउंडेशन कोर्सेज आप पढ़ना चाहते हैं मल्टीपल एजुकेटर के साथ में तो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने के लिए आप ये रेफर अबाउट द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड इज आर ट्रू ये स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है वो करेक्ट है गाइज आई थिंक कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या नहीं अभी आई थिंक एवरीथिंग इज ओके हाँ तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट में कहा गया दैट स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड इज लोकेटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट अंडर द रिजर्व फंड यानी कि ये वाला जो स्टेट फंड है ये बनाया जाता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है पूरा उसी के अंडर रिजर्व फंड के रूप में इसको बनाया जाता है सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 75% of the SDRF of general category states and 90% जो हमारे special category states हैं उसके अंदर government of India भी contribute करती है और third में कहा गया state ये जो SDRF it shall be used only for meeting the expenditures for providing immediate relief to the victims तो ये तीनों चीजें काफी important हैं जिसको आपको बताना है which one is true which one is correct about the SDRF तो आंसर यहां पे क्या होना चाहिए आंसर आपका होगा सी बिकॉज फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है थर्ड इज करेक्ट क्योंकि एसडीआरएफ जो है उसे यूज किया जाएगा सिर्फ तब अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर आपको करना है जहां पे आपको जो भी विक्टिम्स हैं डिजास्टर के बाद जो भी विक्टिम्स हैं उनको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जितने भी आपके दुर्घटना में ग्रस्त लोग हैं प्राकृतिक आपदा में जो लोग ग्रस्त हुए उनको आपको अगर इमीडिएट रिलीफ देना है सिर्फ तभी आप यूज करेंगे थर्ड वन इज करेक्ट पहला और दूसरा गलत क्योंकि एसडीआरएफ को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में नहीं रखा जाता इसे पब्लिक फंड में रखा जाता है अगर कंसोलिडेटेड फंड में रखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है पहले वो पास होगा स्टेट असेंबली से उसके बाद यूज होगा जबकि जो पर्पज है वो है इमीडिएट रिलीफ देने का तो इसलिए इसको रखा जाता है पब्लिक अकाउंट में ना कि रिजर्व फंड इज ओके बट पब्लिक अकाउंट में रखेंगे ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर रखेंगे स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारी वो भी गलत है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है फिलहाल के लिए बढ़ाएगी जो पहले 75% था अब उसको 90% किया जाएगा तो कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे कि भाई कोई भी स्टेट हो सभी स्टेट चाहे वो स्पेशल कैटेगरी हो चाहे वो नॉर्मल हो सभी के लिए अब एट पार ये पहले ट्रू था ये पहले हुआ करता था 75 का क्लॉज अभी क्या है अभी एक कर दिया गया है सबके लिए 90 कोई स्पेशल कैटेगरी कोई जनरल कैटेगरी यहाँ पे मायने नहीं रखेगी राइट इन दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 Now, with reference to the recently test-fired Astra, एक मिसाइल जिसको हमने फायर किया है अस्त्र मिसाइल उसके बारे में आपको बताना है which statement is correct. First says it is a short-range air-to-air missile, number one. It is developed in collaboration with Israel, number two.
and it has an official range of 75 kilometer number 3. तो ये तीन statement में से आपको बताना है which statement is correct about अस्त्र missile. तो यहाँ पे question number 92 का answer comment section box में लिखें. Right answer यहाँ पे होगा आपका B, because first और third बिल्कुल correct है. Short range है अस्त्र और air to air है. इसको याद रखने का तरीका देखो, वैसे तो याद रखना बहुत टफ होता है कि यार कौन सा सरफेस टू सरफेस है, एक सरफेस टू एयर होता है, एयर टू एयर. यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखता हूँ यहाँ पे कि भाई अस्त्र स्टार्ट होता है ए से और एंड भी होता है ए से, टू ए टू ए. मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको, ए टू ए मतलब एयर टू एयर. ये आप एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं. 75 इसकी ऑफिशियल रेंज है, 75 किलोमीटर तक ये जो है वार कर सकते हैं, लेकिन 75 किलोमीटर जो है वो शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आएगा. लेकिन ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इंडिया ने, कोई इजराइल कोई रशिया किसी की मदद नहीं ली गई, प्योरली इंडिया ने, डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ ने ही इसको जो है बनाया है. क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पहले में बोला गया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन. नंबर टू, इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. थर्ड में बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड नॉट द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यानी प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ और सिर्फ सैलरी और अलाउंसेस फिक्स किए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं की गई है. इनमें से आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. आउट ऑफ दीज थ्री करेक्ट चूज करना है, एज वट एवर द प्रोविजन्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर आपको बताना है. राइट आंसर वुड बी बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑब्वियसली गलत है, हम लोग जानते हैं फाइव, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर का जो मैक्स लिमिट है वो 5 ईयर है, जब तक लोकसभा का लिमिट है प्राइम मिनिस्टर का भी लिमिट है. तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, और ऊपर से एक चीज और आपको बता दूं, संविधान ने सैलरी और अलाउंसेस नहीं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ये काम पार्लियामेंट का होता है, ठीक है ना. तो सैलरी और अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट का काम है, संविधान का काम नहीं है. टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी एज ऑफ नाउ कोई फिक्स नहीं है, और वो होल्ड करता है ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. हालांकि ये बात ट्रू है कि जब तक उसके पास मेजॉरिटी है वो रूल करेगा, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है एज पर द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे, बिकॉज महामहिम जो है हमारे वो प्रेसिडेंट ही हैं. हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि जब मर्जी चाहे प्रेसिडेंट डिसमिस कर दे प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब तक रहेगा जब तक उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट रहेगी लोकसभा के अंदर. तो थर्ड वाला इज रॉन्ग, ध्यान ये रखना है कि संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटरमाइन नहीं किया अलाउंसेस और सैलरीज, वो तो पार्लियामेंट ने किया है. क्वेश्चन नंबर 94, विद रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम GIFMIS के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहले में बोला गया इसे एडमिनिस्टर करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं. दूसरे में बोला गया कि भाई इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मोर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की ज्यादा बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चलाया गया था गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. क्या होगा इनमें दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा. चलिए तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं गाइस. राइट आंसर यहां पे क्या होगा, राइट आंसर विल बी बी ओनली. सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहले वाला गलत है. बात क्योंकि गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की है, तो यहां पे फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, बिकॉज कैग नहीं करता. ये एक है क्या चीज, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, तो ये गिफ मिस भी बोल देते हैं कभी कभी. ये वेब बेस्ड है, गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वेब बेस्ड पोर्टल है जिसको एडमिनिस्टर करेगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. ये दो अलग चीजें हैं. पहले में आपको ऑप्शन में था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग अलग होता है,
दिस इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सारे ऑडिट अकाउंट्स को ऑडिट करता है, चाहे वो स्टेट अकाउंट हो, चाहे वो सेंट्रल के अकाउंट्स हो, वो अलग चीज है. लेकिन यहां जो आपके सामने है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. दोनों में फर्क है, ठीक है ना. और ये जो ऑफिस है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, वो CAG है, कैग है, और ये CGA है. तो CGA जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये आता है सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के को करने के लिए, और ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है. और इसका काम है एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना टेक्निकली एक अच्छा साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को, ये इसका काम है, CGA का काम है. जबकि जो कैग है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो ऑटोनमस है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता. लेकिन CGA जो है ये तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है. दूसरे वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है. CGA जो है वो बजट भी करता है, अकाउंटिंग, एक्सपेंडिचर, कैश मैनेजमेंट सब कुछ करता है फॉर इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज आर करेक्ट अबाउट द हॉर्टीनेट. ये हॉर्टीनेट क्या चीज है, वी हैव टू सी. फर्स्ट में बोला गया इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन कंट्रोल इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं सर्ट इन के नाम से. तो क्या सर्ट इन ने बनाया हॉर्टीनेट. और दूसरे में बोला गया दैट इट कैप्चर्स द जियो लोकेशन ऑफ द फॉर्म्स रजिस्टर्ड थ्रू द ऐप. दोनों में से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. और गाइज कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट सब लोग करते रहें, कमेंट सब लोगों के आते रहने चाहिए. राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, बिकॉज टू ओनली इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वाला नहीं है. यूजुअली इसी चीज के ऊपर UPSC सबसे ज्यादा गेम खेलती है कि भैया डेवलप किसने किया. कोई भी ऐप होती है मिनिस्ट्रीज के नाम, इन सब चीजों के नाम, ये आपको पता होने चाहिए. सबसे ज्यादा चांस होते हैं इसी के अंदर आपको UPSC ट्रिक कर सकती है. हॉर्टीनेट का पहले तो फुल फॉर्म समझे, ये हॉर्टीनेट का क्या फुल फॉर्म है. हॉर्टीनेट इज इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम. डेवलप किसने किया है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं एपिडा. तो कोई यहाँ पे सर्ट इनका काम नहीं है. हॉर्टीनेट का मतलब है जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो. हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होगा, जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है जिसके अंदर हम जो है फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, दिस इज कॉल्ड हॉर्टीनेट. तो हॉर्टीनेट जो है इसको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है. और ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसका पर्पस है कि ये एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाएगा, फार्मर और बाकी स्टॉक होल्डर्स को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उस पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 96 काफ़ी ईजी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर through the stomata is called as respiration, transpiration, photosynthesis or abscission. ये काफी है, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अर्पण, ये वाली क्लास अनअकैडमी पे लाइव नहीं है, ये वाली जो क्लास है ये हमारे YouTube चैनल पे लाइव है. बाकी और जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं अब वो वहां पे लाइव है. ये आंसर बिल्कुल सबको आना चाहिए गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 96 क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रांसपिरेशन, यानी कि बी. सब लोगों को पता है जो भी जो स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं. कोई भी लीफ आप देखेंगे तो जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसके बैक साइड पे छोटे छोटे जो है ओपनिंग्स होती हैं जो खुलती बंद होती रहती हैं. तो जितना भी पानी निकलता है लीफ में से वाटर वेपर के रूप में, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन. वो लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होता है, स्टोमेटा में से होता है. क्वेश्चन नंबर 97 है पिनाका के बारे में, कई बार सुना होगा. सो पिनाका विच इज वेरी ऑफन इन न्यूज, ये पिनाका क्या चीज है, क्या एंटी सबमरीन टॉर्पिडो है, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, या फिर गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट सबमरीन वॉरशिप है, है क्या चीज ये, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये आपको बताना है इसका क्या होगा आंसर. तो पिनाका इज बेसिकली, आंसर वुड बी सी. पिनाका जो है
ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, एक बार में जब इसमें से लगातार 8 to 12 रॉकेट्स जो है निकलते हैं, शायद 8 या 12 ऐसे कुछ रॉकेट हैं जो एक बार में आप फायर कर सकते हो, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है आपका पिनाका, याद रखिएगा, ठीक है। 12 रॉकेट्स, देखिए यहां लिखा भी है 12 रॉकेट जो है वो आप 44 सेकंड में, 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट्स लोड करके लॉन्च कर सकते हो, और 4 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी अगर डिस्ट्रॉय, कोई भी टारगेट आपका है उसको आप जो है इजिली टैकल कर सकते हो, उसको इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे बनाया किसने गाइस, इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने ही मल्टी बैरल पिनाका सिस्टम को डेवलप किया है। तो अगर कोई बोल दे कि भाई रशिया की मदद से किया है, यूएस की मदद से किया है, तो दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, नाउ दिस स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द मैंग्रोव फॉरेस्ट, थोड़ा सा मैंग्रोव फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला गया दैट दे लेसन द इम्पैक्ट ऑफ इंटेंस स्टॉर्म्स एंड एक्ट एज अ बफर ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरे में बोला गया दैट दे इंक्रीज इरोजन एंड डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तीसरे में बोला गया दैट ड्यू टू हाई सैलिनिटी एनवायरमेंट लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। और चौथे में कहा गया द ट्रीज अंडरगो विविपैरिटी एज अ रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन। मैंग्रोव्स बहुत बार सुना है, मैंग्रोव्स आपने देखा सुना और पढ़ा आई एम श्योर अपने सिलेबस में। अब टाइम है वो सारी नॉलेज को एक साथ अप्लाई करने का और बताने का कि भाई मैंग्रोव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। परविंदर सबसे जल्दी आंसर देते हैं, मैं चाहता हूँ सब लोग इतने क्विकली आंसर दें। और गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस इनिशिएटिव के बारे में, जहाँ पे एवरीडे क्लासेस मैं ले रहा हूँ आप लोगों के यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा बी विच इज़ A 1 and 4। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, चौथा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये दूसरा और तीसरा जो है ये दोनों गलत है। मैंग्रोव्स जो है आप लोगों ने पढ़ा सुना, ये ऑफशोर प्लांट्स होते हैं। ऑफशोर का मतलब है जो जहाँ पे बिल्कुल आपका जहाँ पे लैंड खत्म होती है और पानी स्टार्ट होता है, तो पानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। ये एक तरह का एक बफर होते हैं, बफर स्टॉक है सी और लैंड के बीच में, और इनका पर्पज़ है कि कैसे भी करके स्टॉर्म्स वगैरह का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम कर देते हैं। बिल्कुल सही है, तो पहले वाला स्टेटमेंट सही हुआ कि जो भी इंटेंस स्टॉर्म, क्योंकि पहले कोई भी तूफान आता है, कोई भी चाहे सुनामी, अगर सुनामी भी आती है तो सबसे पहले वो मैंग्रोव से टकराएगी, और जब कोई चीज़ पहले मैंग्रोव से टकराएगी तो जाहिर सी बात है मैंग्रोव से टकराने का मतलब है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सुनामी भी कम हो जाएगा, स्टॉर्म भी कम हो जाएगा, जिसका कम से कम इफेक्ट पड़ेगा आपके कोस्ट लाइन पे। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो रूट्स होती हैं कैप्चर सेडिमेंट्स इन द वाटर एंड नॉट ओनली जस्ट प्रिवेंट द इरोजन बट ऑल्सो लीड्स टू सेडिमेंटेशन। यहाँ पे इनफैक्ट इनको बोलते हैं आइलैंड फॉर्मिंग ट्रीज। मैंग्रोव्स के नीचे आप देखिएगा, मैंग्रोव्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आइलैंड फॉर्म कर सकते हैं। कैसे आइलैंड बना सकते हैं, क्योंकि जो इनकी जो रूट्स होती है ना, जो मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स कुछ ऐसी होती हैं कि उनके अंदर जो मिट्टी फंस जाती है, सेडिमेंट्स कैप्चर होते हैं और बाद में इरोजन नहीं होने देती। सॉइल इरोजन कभी नहीं होगा, हमेशा मिट्टी को रोक के रखेंगे और बाद में सेडिमेंटेशन करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, तो आइलैंड बन जाते हैं आसपास। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को बोलते हैं आइलैंड फॉर्मिंग ट्रीज, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तीसरा इसीलिए गलत है थर्ड वाला, बिकॉज दे आर फाउंड इन वेरी अनस्टेबल सर्कमस्टांसिस। सलाइन वाटर होगा वहां मिल जाएंगे, जहाँ पे रूट्स के लिए लैंड नहीं है वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, तो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी अडाप्टेशन होती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लीव्स जो है थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा कोई अडाप्टेशन नहीं है। तो थॉर्न्स वाला अडाप्टेशन नहीं है, और कई तरह के अडाप्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चौथे वाला सही है, विविपैरिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट। विविपैरिटी प्लांट्स के अंदर विविपैरिटी का मतलब होता है एक ऐसा मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन और एक ऐसे इस तरह से ग्रो करना, जब आप अटैच हो, ट्री से अटैच होते हुए ही आप जो है ग्रो कर रहे हो, इसको कहते हैं वीवी पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 99 वी हैव इज अबाउट द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। ओशियंस के रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि कोरल्स को बोलते हैं, कोरल्स आर कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस
and they are very sensitive organisms, so bataiye which of the following conditions are suitable for the proper growth of the corals. Corals ki proper growth ke liye aap bataen ki kaun si statement jo hai wo correct hai. Aapke paas options hain, shallow water as they require proper sunlight for zooxanthellae to undergo photosynthesis, warm temperature varying from like 30 degree to 40 degree Celsius, aur teesre mein kaha gaya regions where rivers drain into the sea as they need very low salinity to grow. तो ये तीन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो काफी फेवरेबल हैं कोरल्स के लिए, कोरल फॉर्मेशन के लिए. तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा सिर्फ और सिर्फ ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये जो सेकंड देखिएगा इतना, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, 30-40 डिग्री सेल्सियस के अंदर तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है. कोरल्स क्या होते हैं, कोरल जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कोरल्स पॉलिप्स का और एल्गे का. एल्गे जिसको बोलते हैं ज़ूज़ैंथली, ये कलरफुल एल्गे होती है. तो जब पॉलिप्स, पॉलिप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो पॉलिप्स और कोरल्स, पॉलिप और एल्गे जब आपस में मिलते हैं, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो बनते हैं कोरल रीफ. अब शैलो वाटर एक इसकी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल, 200 मीटर से ज़्यादा जो है ये ग्रो नहीं करेंगे, अप टू 200 मीटर ही आपको मिलेंगे शैलो वाटर के अंदर, हमेशा मिलते हैं कोरल्स, बिकॉज इनको एक प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती है. जो ज़ूज़ैंथली, ये लिखा है वर्ड ज़ूज़ैंथली, ये एल्गे होती है, कलरफुल एल्गे, जिसके जिसमें सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है. और यही जो है ज़ूज़ैंथले का फंक्शन ही ये है कि वो कोरल्स के लिए जो है फूड प्रिपेयर करें, जो कोरल्स हैं उनके लिए फूड प्रिपरेशन का काम करती हैं ये एल्गे. तो फर्स्ट वाला इज करेक्ट, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट, बिकॉज एट मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 32 तो मैक्स टेम्परेचर है. ज़्यादा आइडियल अगर टेम्परेचर बोलोगे अप टू 25-28 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं. उससे ज़्यादा होगा तो जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये टूट जाएगा. कोरल जैसे ही डिस्ट्रेस में आएंगे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज, तो सडनली ये जो है लिंक तोड़ देते हैं अपनी एल्गे से, और वो जो कलरफुल एल्गे है इनको छोड़ के चली जाएगी, और इस इवेंट को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग. और तीसरे वाला भी गलत है, क्योंकि कोरल्स को एकदम दे नीड अ क्लीन वाटर, मडी वाटर नहीं चाहिए इनको, बिल्कुल साफ सुथरा पानी चाहिए, उसी के अंदर ये जो है ग्रो कर सकते हैं. तो सेडिमेंटेशन होगा तो वहाँ ग्रो नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 100 नॉइस पोल्यूशन के ऊपर है. सो नॉइस पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉइस पोल्यूशन. भाई बताओ नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है एकदम वो करेक्ट है. पहले में बोला गया कि भाई जो नॉइस पोल्यूशन है इट मोस्टली अकर्स इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. दूसरे में बोला गया ए फॉरेस्टेशन कैन एक्चुअली हेल्प रिड्यूसिंग द नॉइस पोल्यूशन. और तीसरे में बोला गया दैट अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन जो होता है, अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन जो है इट कमिंग फ्रॉम द शिप्स हैज बीन शोन टू अपसेट द व्हेल्स नेविगेशन सिस्टम्स एंड किल द अदर स्पीसीज. सो विच वन यू थिंक इज करेक्ट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 100 विच इज ऑल्सो आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बिकॉज अभी एक और क्लास है गाइस, सो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. हमारी जो बाकी जो क्लास होगी आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे रात वाली क्लास के अंदर. मैं टारगेट करूँगा ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चंस टारगेट करने की. लास्ट क्वेश्चन है आपका नॉइस पोल्यूशन पे. राइट आंसर वुड बी, ऑल आर करेक्ट, सो राइट आंसर वुड बी डी. डी है यहाँ पे राइट आंसर के आसपास बन रहे हैं. तो ये सब आपके देखिए, तो वो थोड़ा कम आवाज़ करेगी, आप हाई वॉल्यूम स्पीकर थोड़ा कम, एक जगह अगर आप एक जगह नॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल पहाड़, जहाँ बिल्कुल पेड़ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ दूर तक जाएगी. और एक ऐसी जगह रिसर्चर्स को मिला है कि जो नॉइस पोल्यूशन है वो आपको इम्पैक्ट तो करता ही, हिल्स के नेविगेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर, नेविगेशन वगैरह में उसका उससे जो है खास करके व्हेल्स नेविगेशन में सबसे ज़्यादा उसका असर देखा जाता है. तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन पसंद आया. अभी आज ऑलमोस्ट जो भी नंबर ऑफ डेज हमारे 80 डेज रह गए हैं, 5 दिन के बाद कुछ और नए इनिशिएटिव मैं शुरू करने वाला हूँ. सो मेक श्योर कि आप सभी इनिशिएटिव्स को बड़ा ध्यान से फॉलो अप करें, बिकॉज देर विल बी मोर इनिशिएटिव्स टू दिस पर्टिकुलर बैच.
इस यूपीएससी रिवीजन बैच के अंदर मैं और भी तीन चार चीजें लेके आऊंगा, कुछ नए इनिशिएटिव शुरू करूंगा आप लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं शाम को हमारी एज यूजुअल 8:30 की क्लास में फॉर करंट अफेयर रिवीजन। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, शेयर करें अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी यूजफुल लिंक है, उनको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।